नमस्कार, मैं हूं जी और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज़। सागर के एसपी कार्यालय में अपनी बेटी और पत्नी के साथ इंसाफ के लिए गुहार लगाने पहुंचा परिवार जाहर सिंह का है, जिसको खेतीबाड़ी की चाह से बगासपुरा में जमीन लेना भारी पड़ गया। उसने जो जमीन खरीदी थी उस पर महूना के दबंग और रसूखदार उमेश मिश्रा की नजर पड़ गई। उमेश मिश्रा ने उसे हथियाने के इरादे से इस परिवार को परेशान कर रहा है, जहां कुछ समय पूर्व आरोपियों ने पीड़ित किसान से उस जमीन के बदले रंगदारी की मांग की, जिसे नहीं देने पर मारपीट कर उन्हें जमीन से बेदखल कर दिया गया। मामले में पीड़ित को न्याय के लिए आरोपियों की शिकायत पुलिस में करना और भी भारी पड़ गया, जहां राजनीतिक दबंग रसूखदार आरोपियों ने उसे परेशान करने की नीयत से लगातार झूठे प्रकरण बनवाए, जिससे वह परेशान है। पीड़ित किसान इस मामले पर रहली पुलिस की भूमिका पर भी सवाल खड़े कर रहा है, जहां उसकी शिकायत के बाद अब तक पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई करना मुनासिब नहीं समझा और आरोपियों खुलेआम घूम रहे हैं और झूठे मामले पर पीड़ित को फंसाने में लगे हैं, जिससे यह परिवार परेशान हो रहा है। ऐसे में इंसाफ की चाह के लिए एसपी के दरबार के चक्कर काट कर न्याय मांग रहा है। पुलिस भी महज औपचारिकता ही दिखा रही है और हर बार जांच का आश्वासन देकर मामले को दबाने की कोशिश कर रही है। ऐसे में दबंगों के खौफ से परेशान किसान परिवार न्याय नहीं मिलने से परेशान है और मामले में जल्द उसे इंसाफ नहीं मिलने पर आत्मघाती कदम उठाने की भी इच्छा जाहिर कर रहा है। बहरहाल जमीनी विवाद के मामले में फरियादी की शिकायत पर आरोपियों पर दर्ज अपराध पर कोई कार्रवाई नहीं होने की ओर से पीड़ित परिवार गांव के बाहर होने पर झूठी शिकायत के बाद भी मामला दर्ज होना साफ साफ जाहिर कर रहा है कि इस मामले में कानून के रक्षक आरोपियों में साठगांठ का खेल चल रहा है, जिसके चलते पीड़ित परिवार को इंसाफ की दरकार है। ऐसे में आला अधिकारियों ने अगर समय रहते मामले में फरियादी की मदद नहीं की तो निश्चित ही इसका खामियाजा इस परिवार को उठाना पड़ सकता है। सागर से हमारे रिपोर्टर अनिल वर्मा के साथ सलमान कुरैशी की यह रिपोर्ट। बने रहिए द खबरदार न्यूज के साथ। नमस्कार। लल्ला महुना, आरडी मिश्रा, राजेश मिश्रा, पूरा मिश्रा परिवार, ये भूमाफिया है। लल्ला महुना, उनको गोंडा टैक्स चाहिए 20 लाख रुपया। बोले कोई भी जमीन वहाँ खरीदे कुछ भी करे तो उनको टैक्स चाहिए। कहाँ खरीदी आपने? वही अब बेलखेड़ा मौजा में। कितनी जमीन है? क्या समस्या आ रही है आपको? समस्या वो जब हम लोग बोनी बखनी करते वो जबरदस्ती काट लेते। आपने कहाँ कहाँ से गए थे? सब मैंने रहली से लेके रहली SDOP, अपने यहाँ SP ऑफिस और अपने वो पुलिस अधीक्षक। आश्वासन मिला भी आपको? कुछ नहीं मिला। अब क्या हो गया है? अभी क्या है, वो झूठी रिपोर्टें करवा रहे हैं हरिजन आदिवासियों से। हम लोग वहाँ रहते भी नहीं है, गांव में जबलपुर में रहते हैं, मगर वहाँ वो झूठी रिपोर्टें कर रहे हैं। अभी ये कि यहाँ मोनू गौड़ से रिपोर्ट करवाई थी सागर में, तो उसकी विवेचना कर रही। एक अभी 14 तारीख में देव सिंह गौड़ से रिपोर्ट करवा रही थी, तो उनकी नहीं लिखी थी। हाँ, बस उनको जमीन मेरे कब्जे में। जी।